गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो खुश रहो, सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और होगी ये दिन की शुरुआत, धूप चढ़ी है मस्त वाली, चढ़ गया सूरज। और मेरा जो है वो, जैसा कि बताया आपको, दो तीन दिन से डेली रूटीन शुरू हो गया है, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया मैंने फिर से, क्योंकि धूप निकलनी शुरू हो गई। अब तो ये साहब के अपने अपने कार्य शुरू हो गए हैं। चिड़िया ने चहचहाट शुरू कर दी है। और ये देखो सूर्यदेव जो है वो कहाँ पे, और मैं फिर से उसी पार्क में। ये देखो अच्छा लग रहा है, बस अब धुंध चढ़ चुकी है ना, धूप है तो मौसम अच्छा हो गया है। आगे आगे जैसे जैसे धूप जल्दी निकलेगी ना, मैं धूप जल्दी आया करूँगी। अभी तो खैर 8:30 हो चुके हैं, पर ये भी मैं पहले अपने घर का अंदर करती रही। मैं इसलिए किया भी, विटामिन डी भी ना बहुत कम आया है तो विटामिन डी भी चाहिए, मैं इसलिए धूप में सैर कर रही हूँ। क्योंकि अभी धूप अभी निकली है, जस्ट कोई 10 मिनट्स पहले ऊपर आई है। सामने तो फिर भी नहीं, अभी खैर मुझे धूप नहीं दिख रही है यहाँ पे, बस सूरज ही निकला दिख रहा है, धूप नहीं अभी इस पार्क में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, तो मैं 10-15 मिनट्स भी अगर धूप ले लूँगी ना, 9 बजे तक करूँगी सैर, आधा एक घंटा बहुत है। और अगर 10 मिनट्स की धूप भी मुझे मिल जाती है ना चलते चलते, तो वो भी सफिशेंट है इस टाइम, फिर देखूँगी ऊपर। बाकी मैंने अपना वो कर लिया है, मैं योग करके आई हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी सी की है, क्योंकि सर्वाइकल इशू बहुत हो रहा है। कल भी रात को अंशुल जो है दवाई लेके आया लगाने के लिए, ट्यूब रात को 11 बजे जाके, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। मैं करती नहीं वैसे, कभी भी नहीं ऐसे, मैंने कभी किया नहीं अपने सर्वाइकल का भी, हाँ मुझे इतना हो रहा है या वो है, पर लेकिन बहुत कल में इतनी तकलीफ थी ना, लिटरली मेरे आंसू निकल रहे थे। तो बच्चे से मतलब वो ही है, वो अंशुल, उसको बहुत फील होता है, मैं इसलिए उसके सामने कम बोलती हूँ भी, उसको बहुत फील होता है अगर थोड़ा सा बोल दो ना मुझे कोई तकलीफ है। तो वो जाके रात को जाके ना, बॉटल है गर्म पानी वाली बॉटल है, लेकिन जिसमें गर्म पानी भरते हैं, तो ऑर्थोपेडिक ना जो हॉट वाली बॉटल है वो लेके आया रात को, और ट्यूब लेके आया एक ना, तो वो लगाई है, तो मुझे मतलब रिलीफ है। लेकिन मैं डाल के आई हूँ, बेडशीट धोने को रह गई थी, मैं डाली है, मैंने फुली में डाली है, मैं नहीं छूँगी उनको, क्योंकि मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं बस अब कान पकड़ लिए मैंने, तो पार्शली मतलब क्लाउडी बताया है, आज बादल रहेंगे। और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी कितनी अच्छी धूप निकली थी ना, और बादल हो गए हैं, क्या ना निकला है, लेकिन उसके बीच में है, बादल के बीच में है, फिर निकला फिर बादल आ गए, बस अब सारा दिन ना यही रहेगा, आंख में चौली। तो चलो जो भी है, डॉक्टर ने ये बताया था अभी सुबह से, जो 8 से 10 की धूप है ना, मतलब वो सेकनी है, सेकने के लिए ना, मतलब आपका विटामिन डी के लिए वो सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है, उसके बाद नहीं लेनी है, या फिर शाम को 3-4 बजे के बाद। तो चलो शाम को तो मैं लूँगी अपना, कल भी ली है मैंने, शाम के टाइम तो लिया ही करूँगी, लेकिन सुबह ये जितनी भी मिलती है सैर करते हुए तो उतनी है। बस एक पॉइंट है सामने जहाँ पे धूप दिख रही, बाकी कहीं धूप नहीं दिख रही। मानो होने खुल के जीवांगे, छोटी जे ही जिंदड़ी है, खुल के जीवांगे। पहुँच गए तबाही के भंडार, पहुँच गए ये देखो, बस ये इस पार्क में, बस अब इनका टाइम हो गया। वो देखो एक वहाँ बैठ गया, अब बस इन्होंने अब ना तबाही में जाने शुरू कर देंगे। 24 hours later. आप ना नेचर के बीच में होते हो ना, तो अलग सी मतलब एक पॉजिटिविटी होती है, तो नेचर के बीच में रहना भी ज़रूरी है ऐसे, इसलिए मुझे अपना हिमाचल बहुत पसंद है, बहुत मिस करती हूँ जब भी जितना टाइम मैं यहाँ होती ना, तो मैं हिमाचल को ज़रूर मिस करती हूँ, डेली करती हूँ। लेकिन जब जैसे मैं यहाँ पे पार्क में आती हूँ ना, तो सुबह सुबह तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, वो जो चैंचें मतलब उनकी जो आवाज़ें होती है ना, तो उससे ना मतलब ये भी मुझे फील होता है मैं हिमाचल पहुँच गई हूँ। और मैं सबको ये चीज़ बोलूँगी भाई, हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज़। और हर एक को डेली चाहे आप जल्दी उठ रहे हो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, वॉक बहुत ज़रूरी है, सैर ना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हर एक को बोलूँगी चाहे थोड़ा ही निकालो, ज़रूरी नहीं है भाई, अगर अब देखो हर एक की अपने अपने घर की जिम्मेवारियाँ, नहीं टाइम है ना, तो थोड़ा ही निकालो, सुबह नहीं कर सकते शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते दोपहर को करो, लेकिन एक ना पर्टिकुलर टाइम पे सैर करो। अगर आप शाम को 5 बजे कर रहे हो ना, डेली 5 बजे करना, वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट देती है।
और अगर मॉर्निंग में कर रहे हो तो मॉर्निंग में जैसे जो भी आपका रूटीन है ना वो डेली में उसी रूटीन पे करो, क्योंकि वो चीज़ ना ज़्यादा बेनिफिट देती है वो। तो चलो बाय बाय, हो गया मेरा टाइम। मैं चली घर, आ जाकर चल जाने से पहले बात कर लेती हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या रूटीन कैसा कैसा रहता है घर का। अंशुल जा रहा है आज सोलन, और बता रहा था पता 10 की 11 बाद स्कूल। अंशुल की जो स्कूलिंग है ना वो लिक से हुई है, सेंट लिक सोलन से, तो कुछ काम था वो उस काम की वजह से मतलब उधर जा रहा है, सोलन जा रहा है। बहुत टाइम कहते मैं 11 साल बाद मम्मा अपने स्कूल जा रहा हूँ, तो हंस रहा था, कहते मैं तो सोच रहा था कि मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊँगा। मैं कहा बेटा वो दिन भी आएगा, लाएगा भगवान ज़रूर, ठीक है ना, वो दिन भी लाएगा। कभी जाओगे और मेरा आशीर्वाद है तुम जाओ। तो चलो उसने भी निकलना होगा तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलते हैं आगे। पंजाब के तरफ बचे ना लोग, क्यों नहीं तो बोल, बोली बोली जरा। दिल्ली को पहुँच रहा दिल्ली में। अच्छा वो किसानों वाली फिर हो गई है, और तो रोड जाम कर रखे हैं। तुम नहीं गए तो इसी उससे नहीं आया माल। मैं तुम नहीं गए, हम कहाँ गए, क्यों जाए हड़ताल करने दोनों, तुम भी जाओ दोनों। अच्छा आज से शुरू हो गया है ना, तू सब्जी की रेडी लगा देना आगे, सब्जी की रेडी लगा दियो अपनी आगे। तो जी सुबह सुबह सब्जी, हाँ मूली किलो कर दो, वॉक करके आई तो मुझे ये दिख गया। और हाँ कर दो, नहीं नहीं दो नहीं चार कर देना, चार बोले ना तुझे 100 के। तो ये देखो जी हमारे चंडीगढ़ की सब्जियाँ। A few moments later, आपने बोला बोल बेटा कहाँ जा रहा है, पूछ रही तेरे को तू कहाँ जा रहा है। मैं ऐसे नहीं पूछते, पीछे भी जा रहा होता तो ठीक है, पीछे तो नहीं पूछते। अच्छा भाई मैं एक्चुअली सोलन जा रहा हूँ, तो कुछ काम है मेरे थोड़ा सा, तो इसलिए मैं सोलन जा रहा हूँ। तो अभी नहीं बताऊंगा, जब काम हो जाएगा उससे बताऊंगा। कहते हैं कोई काम बताने से पहले, मतलब जाने से पहले कोई बता दो, काम पूरे नहीं करेगा। ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली स्कूल जा रहा हूँ, कुछ काम था थोड़ा सा। तो कितने साल बाद जा रहा तू अपने स्कूल? मैं 2008 में 11 में छोड़ा था ना मैंने स्कूल, 2011 के बाद अब जा रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक। नहीं क्या बोल रहे, वैसे तो सोचा था क्या था तूने भी चीफ गेस्ट बन के जाऊंगा, मैं सोचा था कभी चीफ गेस्ट बन के जाऊंगा, पर 11 साल में ऐसे कुछ नहीं खड़ा कि चीफ गेस्ट बुलाए मुझे। ऐसे कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरी बात सुन, अपने उसमें कर सकता था तू, जैसे तू वो था डांस का, तो भाई डांस किंग था भाई, ठीक है ना। तो क्या पता कभी चला जाता, पर गए अरे तुम थे भी कहाँ पे यहाँ पे। तो चलो ठीक है, बाय बाय, भगवान तेरी यात्रा शुभ करे। हाँ ठीक है, ओके। जी मैडम जी हो गई तैयार अपने क्लिनिक जाने के लिए। और आज जो है वो क्या हो रहा है आज आपके साथ? कुछ नहीं हो रहा है मुझे तो, कुछ नहीं हो रहा है, प्यारी समझ गई। और ये देखना जरा इसका, चलिए जरा चलिए, बस खुश रहे खुश रहे, अच्छा खुश रहे। ये देखिए ऐसे कितनी खराब है, सुबह से ना लांग देके चल रही थी भाई, इसने कल ना एक्सरसाइज कर ली ना बेचारे के, चलना मुश्किल हो रहा है। चलो ठीक है फिर है ना, ओके बाय 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 बाय। भाभी ने गोल फूल का बनाया, वीडियो के चक्कर में फूल के का हुआ बुरा। अच्छे खासे फूल के की धज्जी उड़ा दी मेरे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसका उद्घाटन हो गया आज हमारी पतीली का, और हमने क्या बनाया इसमें आज, हमने देख मतलब एक्सपेरिमेंट किया हमने, और हमने बनाई है इसमें ये वाली मिक्स दाल बनाई है हल्की वाली, और आज खा के देखते हैं और बताते हैं आपको भी कैसा रहा है। तो हमने इसका वो कर दिया उद्घाटन कर दिया चूल्हा है, और जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस की हूँ आपको, मतलब फर्स्ट टाइम जो है इसके मटके की दाल खा रहे हैं। रिचल मजाक नहीं है, बहुत टेस्टी, मतलब एक ना जो स्मोकी सा फ्लेवर है ना इसमें, मजा आ गया।